कोरोना वायरस के बाद अब भारत में इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन संक्रमण के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। देशभर में इस समय कोरोना के इस नए वेरिएंट ने सनसनी फैला दी है। 20 से अधिक देशों में ओमिक्रॉन के मामले पाए जाने की पुष्टि हुई है। इस नए वेरिएंट की खोज दक्षिण अफ्रीका में हुई है और अभी तक वहां के वैज्ञानिक भी इसके बारे में पूरी तरह पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन कितना घातक है और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब तक ज्यादातर युवाओं को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ मरीज भर्ती हुए हैं और ये सभी युवा हैं। इन मरीजों की आयु 40 से ऐसे कम है। NICD में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और प्रतिक्रिया के प्रमुख मिशेल ग्रोम का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का शिकार ज्यादातर कम उम्र के लोग हुए हैं, लेकिन हम वृद्धावस्था समूहों में भी इसकी पड़ताल करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ने कहा था कि पिछले 24 घंटों में दक्षिण अफ्रीका में नए मामलों की दैनिक संख्या लगभग दोगुनी होकर 8,561 हो गई है। ओमिक्रॉन अब तक देश में प्रमुख स्ट्रेन है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार और वैज्ञानिकों ने 25 नवंबर को कोरोना के नए वेरिएंट की घोषणा की थी। इसके बाद WHO ने इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया था। नए वेरिएंट का पता लगने के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने कई दक्षिण अफ्रीकी देशों से यात्रा पर रोक लगा दी थी। वहीं कुछ देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओमिक्रॉन से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 के साथ।